अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अब्दुल हलीम आपसे मुहातिब हूँ। जैसा कि आजकल बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी भाई अपने अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, और फ्लाइट जो है वो सस्पेंड हुए। तो और सऊदीया ने तकरीबन 20 ममालिक को बैन किया हुआ है उनके फ्लाइट्स को, तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया ये भी शामिल है। तो अगर कोई भाई वापस जाना चाहता है तो वो जा सकता है, और मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप जो है ओमान या बहरीन के थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आपका खुरूज अगर ख़त्म हो तो आप अपने कंपनी से रابطہ करें, वहाँ से अपना खुरूज पेपर जो है एग्ज़िट रीएंट्री उसको एक्सटेंड करवाएं। अगर एक्सपायर हुआ हो 1 महीने के लिए या 1 महीना का भी होगा तो वो वीज़ा आप लेके। तो अगर आप बहरीन के थ्रू जाना चाहते हैं बहरीन के ज़रिए, तो जैसे ही आप बहरीन एयरपोर्ट पे उतरेंगे वहाँ से जो है आप इमिग्रेशन सेंटर में चले जाएं, इमिग्रेशन ऑफिस में, वहाँ से आप विज़िट वीज़ा लगवा सकते हैं। लेकिन आपको जो है वहाँ पर 10 दिन रोकना पड़ेगा, और वहाँ पर जो है आपके 3 कोरोना टेस्ट होंगे। एक उसी दिन जिस दिन आप वहाँ पहुँच गए उसी दिन दूसरा टेस्ट जो है आपका 5वें दिन होगा, और तीसरा टेस्ट जो है आपके 10वें दिन। तो अगर उसमें अगर आपका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आप जो है उसके बाद सऊदीया ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये जो कोरोना टेस्ट 3 होंगे इसका फीस होगा तकरीबन 360 रियाल सऊदी रियाल आएंगे। और उसके अलावा आप लोगों को वहाँ पर अपना रिहाइश लेना पड़ेगा, रिहाइश भी सस्ते मिलते हैं बहरीन में। तो वो 100 रियाल तकरीबन पर डे सऊदी रियाल के हिसाब से आपको रूम मिल जाएगा। वहाँ पर आप 10 दिन रुकना है, और उसके अलावा आप लोगों का खाना पीना होगा, बस इतना ही खर्चा। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मज़ीद अगर आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ सवालात हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।